कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं, अल्लामा आरिफ साहब कहते हैं कि एक मंजर कशी की है कृष्ण बिहारी नूर ने कि आका हुसैन पाक छोटे बच्चे हैं, तीन चार महीने की उम्र है जी, और खातून जन्नत शहजादी कौनैन बीबी फातमा अपनी गोद में आका हुसैन पाक को लेकर बैठी हैं। उस मंजर की मंजरकशी करते हुए कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि इश्क तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, दीन का एक हसीन नाम लिए बैठी है, शक्ल शब्बीर में अय कृष्ण खुदा शाहिद है, फातिमा गोद में इस्लाम लिए बैठी है, हक हुसैन फातिमा गोद में इस्लाम हुसैन है। अब मेहंदी का पत्ता होता कितना बड़ा जरा सा, मगर बालाराम भोपाली की नजर देखो कहां तक गई। बालाराम कहते हैं कि मेहंदी के एक पत्ते में ये राज बंद है, ऊपर से ये हसन है तो अंदर से है हुसैन, न पीसो तो हरा हरा है और पीस लो तो लाल लाल है। मेहंदी के एक पत्ते में ये राज बंद है, ऊपर से ये हसन है तो सुभान अल्लाह हुसैन, सुभान अल्लाह हक है, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। बेशक पारा खरीदार गरीब नवाज फरमाते हैं कि न दुनिया दोस्त बीदारम न उकबारा खरीदारम मनम बायत नमी चीजें बजुस दीदार या अल्लाह। और हजरत जलालुद्दीन आरिफ रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि गर हमी ख्वाहत नशीनी बा खुदा, गर हमी ख्वाहत नशीनी बा खुदा तू नशीना दर हुजूरे औलिया, अगर तू ये चाहता है कि कुछ देर अल्लाह के पास बैठे तो वली के पास चला जा, या किसी वली के पास बैठ जा, वली के पास बैठना ऐसा ही है कि तू अल्लाह के पास बैठा। अगर हमी फाहद नशीनी बाखुदा तू नशीनत दर हुजूरे औलिया, उनके घर आते नहीं कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, अहले बैत की शानो कद्र वाले ही जानते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इजाजत का इंतजार करते हैं कि खातून जन्नत इजाजत दे तो मैं दाखिल हूँ, जिनके दरवाजे पर आने के लिए फरिश्तों का सरदार इजाजत मांगे, उस खातून जन्नत का क्या मकाम होगा, क्या मकाम होगा, उस दरवाजे की चौखट की धूल अगर अपने को मिल जाए या कोई अपनी कब्र पर डाल दे तो फरिश्ते न सवाल करें जवाब पूछे, बेहिसाब अल्लाह ताला सारे दरवाजे खुलवा दी। तो बस पंजतन पाक की चौखट से निस्बत यही कामयाबी की अलामत है। बेशक बेशक।